अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी के लिए एक छोटा सा अपडेट लेकर आया हूँ। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था मेरे पास और बहुत सारे लोग ये सोच भी रहे थे, जो ऐलान किया गया था 31 जनवरी 2022 तक सभी का इकामा वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा हो सभी को जो है एक्सटेंड कर दिया जाएगा, सभी का टाइमिंग जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो क्या इंडिया वालों का और पाकिस्तान वालों का बढ़ाया जाएगा या नहीं, ये पहला सवाल था। तो सऊदी जवाजात ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट करके जानकारी दी है। यहाँ आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट में लगा दिया हूँ। इस ट्वीट में ये बताया गया है कि 17 ऐसे कंट्री है जहाँ के लोगों का इकामा हो या वीज़ा हो या टूरिस्ट वीज़ा हो, सभी को एक्सटेंड करके 31 जनवरी 2022 तक जो है उनका डेट को बढ़ा दिया गया है, उनका वैलिडिटी को बढ़ा दिया गया है। और जो लोग छुट्टी पर गए हो, चाहे उनका इकामा ख़त्म हो गया हो या वीज़ा ख़त्म हो गया हो, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप देख सकते हो, सऊदी हुकूमत ने आप सभी का जो है, जो ये 17 कंट्री से बिलोंग करते हैं, उन सभी का इकामा को, वीज़ा को, टूरिस्ट वीज़ा को सभी को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आपका इकामा हो या वीज़ा हो, उसका डेट को जो है वो 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं जो लोग सऊदी अरब से इंडिया फाइनल एग्जिट पर जा रहे हैं उनके बारे में। जो लोग सऊदी अरब से इंडिया फाइनल एग्जिट पर जा रहे हैं वो लोग तवक्कलना से हेल्थ पासपोर्ट और सेहती एप्लीकेशन से अपना वैक्सीन रिपोर्ट को डाउनलोड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो है उनको एयरपोर्ट पर ही बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जब वो लोग इंडिया पहुंच जा रहे हैं, उसके बाद जब दूसरे कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस वक्त भी जो है उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम आप सभी को जो मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ताकि आप लोग इस गलती को ना करें और समझदारी से आप लोग जो है काम लें। जो लोग सऊदी अरब से इंडिया या पाकिस्तान छुट्टी पर जाए या फाइनल एग्जिट पर जाए, तो अपने कंट्री जाने से पहले कल्ला से हेल्थ पासपोर्ट को डाउनलोड कर लें और सेहती एप्लीकेशन से अपना वैक्सीन रिपोर्ट को जरूर डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद उसे कलर प्रिंट करके अपने पास रख लें, या अगर आप इंडिया जा रहे हो तो डाउनलोड करके आप इंडिया में जाके उसको कलर प्रिंट करके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको रखें। वैक्सीन रिपोर्ट और तवक्कलना का हेल्थ पासपोर्ट जो है, जब आप दूसरे कंट्री के लिए अप्लाई करोगे, या इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर आपसे वैक्सीन रिपोर्ट जो है वो मांगा जा रहा है, तो इस सूरत हाल में जो है आप ये वैक्सीन रिपोर्ट आप दिखा सकते हो। कोविड वैक्सीन का डबल डोज जो है सऊदी अरब में आपने कंप्लीट किया है, आप उसे दिखा सकते हो। तो इस बात का आप लोग ज़रूर ख्याल रखिए, और छुट्टी जाने से पहले या फाइनल एग्जिट जाने से पहले ये दो काम आप ज़रूर कर लें। तवक्कलना एप्लीकेशन से हेल्थ पासपोर्ट को डाउनलोड कर लें, और दूसरा जो है सेहती एप्लीकेशन से वैक्सीन रिपोर्ट को जरूर डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव करके रखें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इंडिया आप आसानी से जा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके। और चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कि इस तरह का हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।